have our next exercise 5.6. 5.6 is the classification of triangles. Triangles का classification कैसा? Students, जो triangles होते हैं उनका classification दो types होता है, based on a side and based on a angle. Angle आपको मालूम भी है, जैसे कि अगर 90 degree का angle है किसी triangle के अंदर, तो हम उस triangle को क्या कहेंगे? Right angle triangle. Okay, student, अगर किसी triangle के अंदर acute angle है, it means 90 से छोटे angles हैं, तो हम उसको बोलेंगे acute base triangle. Okay, student, so now हम केवल बात करेंगे इसमें जो नई चीजें आपके लिए, naming triangles based on a side, जो side के ऊपर based होगा, not a angle. Angle वाला हम पढ़ चुके हैं और एक बार हम आपको बाद में रिवाइज करेंगे. अब हम केवल किस पर ध्यान देंगे, किस पर फोकस करेंगे? Based on a side, side पर based होगा. So our first triangle is side पर जो based होते हैं वो होते हैं three types triangle. कौन कौन सा three type triangle? First is equilateral triangle. Next, second is scalene triangle. And third is isosceles triangle. Okay student, तीन triangle हो गए. तो हम पहली बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड. ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक फिगर बनाती हूँ. ये एक ट्रायंगल बनाया, इसमें ये साइड है 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 5. इस ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी हैं? अलग अलग है, डिफरेंट है, अनइक्वल. सो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये ट्रायंगल हो जाएगा आइसोलेट ट्रायंगल, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल. आपको समझ आ गया? वेरी गुड. ये ट्रायंगल कौन सा है? स्केलेन ट्रायंगल. क्यों? बिकॉज दिस ट्रायंगल हैविंग अ ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड. नेक्स्ट है आइसोस्केल्स ट्रायंगल. इस ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग अ टू इक्वल साइड्स. ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केल्स ट्रायंगल. आपको भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ये हमने एक ट्रायंगल है, ये है 4 और ये है 5. ये एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है. कितनी साइड इक्वल है? टू साइड इक्वल. सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज, यस, आइसोस्केलेन ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये नाम से ही पता चला, इक्विलेटरल, जो तीनों साइड इक्वल हो. इट मींस अ ट्रायंगल हैविंग अ थ्री साइड्स इक्वल. जिसकी थ्री साइड्स इक्वल हो, वो ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल. फॉर एग्जांपल 5 5 5. इट मीन्स दिस ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी हैं? इक्वल. सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर स्टूडेंट? तो आपको आज ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल समझ आया बेस्ड ऑन अ साइड. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स. इसमें उन्होंने साइड दे रखी है, आपको साइड के बेस पर बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है. फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल्स विद लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स कैसी हैं? डिफरेंट. इट मींस अनइक्वल साइड. और जब अनइक्वल साइड्स है तो कौन सा ट्रायंगल होगा? यस, वेरी गुड. कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलेन. वेरी गुड. सो दिस ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल. Okay student, now next, ABC is a triangle. AB is equal to 8.7, AB is equal to 8.7 centimeter, AC is equal to 7 and BC is equal to 6. ये भी तीनों sides कैसी हैं? Different, unequal. So this triangle is also a scalene triangle. Okay students, now next, C,
triangle PQR have a PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5. इट मीन्स एक ट्रायंगल है बी क्यू आर जिसमें पी क्यू क्यू आर और पी आर तीनों साइड कैसी है 5 सेंटीमीटर. जब तीनों साइड इक्वल हो तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. वेरी नाइस. सो दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. ओके स्टूडेंट, तो आपको ये 5.6 एक्सरसाइज इसी तरह से करनी है. क्वेश्चन नंबर 2 में मैचिंग्स हैं तो आप मैचिंग कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल डायग्राम समेत दिया है, केवल उनके नाम बताने हैं कि कौन सा ट्रायंगल है. ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट. इसको आप अपनी नोट कॉपी में कंप्लीट करिएगा. थैंक यू.